राजधानी रायपुर में जानलेवा हमला कर लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला 9 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे का है, जहां खरौरा थाने के ग्राम मुरा के सुनसान सड़क पर तीन आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट के दौरान एक आरोपी ने अपने पास रखे चाकू से पीड़ित पर वार कर दिया था। मामले में एंटी क्राइम साइबर यूनिट और खरौरा पुलिस की संयुक्त टीम ने 48 घंटे के भीतर लूट की घटना का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 तारीख को मुरा ग्राम के पास जो पुलिया है वहां पर तीन आरोपी लोग आकर के उनसे चाकू में वार किए थे, किलेश्वर यादव के कई जगह पे, और इसके साथ ही जो अब मेन प्रार्थी है शिवराज उसका वीवो कंपनी का मोबाइल है उसको लूट करके भाग गए थे। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी खरौरा के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर के आसपास के लोगों से पूछताछ लगातार कर रहे थे और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी इसमें लगातार कार्रवाई कर रही थी। क्राइम ब्रांच को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होते हुए आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करने में सफलता मिला है।